बनाइए चटकारा आने जैसा बड़े के चाट, वो भी देवदर्शी किचन के साथ। नमस्कार, देवदर्शी किचन में आप सबको स्वागत है। रोजमर्रे की जिंदगी में हम काफी हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं और हर चीज को बहुत चुन चुन के खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आज आपके लिए एक ऐसा रेसिपी लेके आया हूँ जो कि आपको डाइट को करेगा बाय बाय और इसे तुरंत खाने के लिए आप आगे आ जाएंगे। यानी कि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चाट, और वो भी भल्ले यानी कि बड़े की। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो भल्ले की चाट बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट है उड़द दाल। मैं करीबन ये कटोरी में एक कटोरी उड़द दाल लिया था, जिसको मैंने अच्छे से 3 से 4 घंटा पानी में भिगो के रखा था, और इसका क्वांटिटी अभी थोड़ा सा बढ़ चुका है और ये अच्छे से सोख भी हो चुका है। तो चलिए इसी दौरान हम इसे दरदरा पीस के तैयार कर लें। अब देखिए, हमने उड़द दाल को दरदरा करके पीस के तैयार कर चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगा स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा साबुत जीरा और थोड़ा सा हींग। अब हमें इसे एक चम्मच के मदद से मिलाना है। हमने अपने उड़द दाल का मिक्सचर को थोड़ा टाइम अच्छे से फेंट चुके हैं और ये लाइट भी बन चुका है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा उड़द दाल का कंसिस्टेंसी प्रॉपर है? तो हमने ऐसे थोड़ा उड़द दाल का मिक्सचर लोए के ऐसे पानी में इसे डाल देना है। जैसे आपको दिख रहा है कि हमारा दाल ऐसे पानी में टहल रहा है, इसका मतलब हमारा मिक्सचर हमने फेंट के सही मात्रा में तैयार कर लिया। अब देखिए, मैं गैस में एक कढ़ाई में तेल बिठा चुका हूँ अपने बड़े को फ्राई करने के लिए। एक बार तेल सही से गर्म हो जाए तो अब हम बड़े को फ्राई कर लेंगे, और इसे धीमी धीमी आंच में हमें थोड़ा टाइम ऐसे ही पकाना है। अब देखिए, हमने जो उड़द दाल का मिक्सचर तेल में डाला था, ये कितना अच्छे से फूलने लगा है। इसका मतलब हमारा मिक्सचर का कंसिस्टेंसी सही है। अब हमारा बड़े का एक साइड अच्छे से पक जाए तो अभी हमें दूसरा साइड पलटा देना है। अब देखिए, हमारा बड़े अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। देखिए कितना फूला फूला लग रहा है हमारा बड़े। ये देखिए, ऐसे ही मैं बाकी सारा बड़े को फ्राई करके तैयार कर लेता हूँ। अब हमने सारा बड़े यानी कि भल्ले को बना के तैयार कर चुके हैं। अब मैं एक पतीले में थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है, जिसमें मैं ऐड करूंगा थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सादा नमक, और इसे मैं अच्छे से मिला दूंगा। अब रखे हुए बड़े को एक एक करके मैं इसी पानी में थोड़ा सोख के लिए डाल देता हूँ, और इसे ढक्कन देके मैं थोड़ा टाइम ऐसे ही छोड़ देता हूँ। जब तक हमारा बड़े पानी में सोख हो रहा है, तो चलिए इसी दौरान हम आलू के बेस का एक ग्रेवी तैयार कर लेते हैं, जो कि आज हमारा चाट में इस्तेमाल होगा। तो इसीलिए मैं एक कढ़ाई गैस में बिठा चुका हूँ। अब मैं कढ़ाई में ऐड करूँगा थोड़ा सा तेल। तेल थोड़ा सा गर्म होने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे साबुत जीरा। आप चाहो तो इसी दौरान आप खड़े मसाले भी ऐड कर सकते हो। अब मैं कटा हुआ प्याज को ऐड कर लूंगा। प्याज हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो इसमें अब हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसमें ऐड करूंगा सारे ड्राई मसाले, जिसमें है स्वाद के अनुसार नमक,
अच्छा कलर दिखने के लिए हल्दी पाउडर, तीखेपन को नज़र में रख के लाल मिर्च का पाउडर, जीरा और धनिया पाउडर और घर का बनाया हुआ गरम मसाले, और इसे ऐसे ही मसालों के साथ अच्छे से मैं मिला दूंगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगा कटा हुआ टमेटोज। एक बार हमारा टमाटर थोड़ा सा गल जाए तो मैंने दो उबला हुआ आलू को अच्छे से मैश करके रखा था, जिसको मैं अभी उसी मसाले में ऐड करूंगा और इसे मैं प्रॉपरली मसालों के साथ मिला देता हूँ। एक बार हम आलू को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे ऐसे ही मिला देंगे और एक उबल आने के लिए छोड़ देंगे। आलू की ग्रेवी में थोड़ा सा उबल आने लगे तो हमने हाथों में मल के कसूरी मेथी को इसके ऊपर डाल देंगे। बेस ग्रेवी अभी बन के तैयार हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम को अप कर देंगे और इसे थोड़ा टाइम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हमारे बड़े को भी काफ़ी टाइम रेस्ट मिल चुका है पानी के अंदर, तो चलिए प्लेट को निकालते हैं। देखिए हमारा बड़े कितना अच्छे से पानी को सोख करके ये फूल चुका है, ये देखिए। तो अब हमें इसे थोड़ा सा पानी इससे निकालना है, आपको ज़्यादा भी नहीं निकालना है, बस थोड़ा सा, और इसे एक पतीले में रख देना है। देखिए पानी कितना अच्छे से निकल रहा है। मैं सारा बड़े को पानी से अच्छे से निचोड़ के एक कटोरी में निकाल चुका हूँ और हमारा बेस ग्रेवी यानी कि आलू का ग्रेवी भी तैयार हो चुका है। और चाट में ऐड करने के लिए मैंने लिया है दही, मिर्च और पुदीना की चटनी, ये है इमली का मीठी चटनी। मैंने इसमें इस्तेमाल करूंगा थोड़ा सा टमेटो केचप, चॉप्ड प्याज, थोड़ा सा चॉप किया हुआ टमेटोस। मैं इसमें फटसन वाला सेब यूज करने वाला हूँ और मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा एक मसाले जिसमें है काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा जीरा यानी कि भाजा मसाला। आप चाहो तो इसी में चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो। और मैंने एक नींबू लिया है जिसको मैं काट के इसके ऊपर इसका जूस ऐड करने वाला हूँ। तो चलिए चाट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्टील का प्लेट लिया है और इसके ऊपर केले के पत्ते को आज बेस मैंने रखा है। तो अब मैंने बनाया हुआ आलू का ग्रेवी को आज बेस इसके ऊपर ऐड करने वाला हूँ। अब मैं इसके ऊपर बनाया हुआ भल्ले यानी कि बड़े को रख दूंगा। अब मैंने जो मसाला बनाया था इसको अभी हमारा दही भल्ले के ऊपर ऐड कर लेंगे। अब रखे हुए दही को हम बड़े के ऊपर दे देते हैं। हमारा इसके ऊपर रखा हुआ मसाला को ऐड कर लूंगा। हुआ पुदीना और मिर्च का चटनी को इसके ऊपर थोड़ा सा इसे छिड़क दूंगा और अब मैं इमली का मीठी चटनी को इसके ऊपर डाल देता हूँ। इसके बाद मैं रखा हुआ टमाटर केचप को भी इसके ऊपर डाल दूंगा। इसी दौरान बारीक कटा हुआ प्याज को मैं ऐड करूंगा और कटा हुआ टमाटर को भी डाल देता हूँ। अब मैं एक नींबू का रस को इसके ऊपर थोड़ा सा निचोड़ दूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं अब इसके ऊपर
डालूंगा रखा हुआ सेब। अब देखिए प्लेटिंग के साथ हमारा बड़े की चाट बनके तैयार हो चुका है। यकीन मानिए दोस्तों, ये खाने के लिए बहुत डिलीशियस बनता है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रेसिपी आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए और अपनों के साथ एंजॉय कीजिए। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करने के लिए मत भूलना। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड टुडेस ब्लॉग। होप यू ऑल एंजॉय योर डे। थैंक यू।